नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं एक शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक के बारे में, करेंगे इसकी फंडामेंटल एनालिसिस और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसने डिक्लेयर किया 1:2 की रेशियो का बोनस शेयर इशू। तो हम इसके बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे और देखेंगे कि क्या इस स्टॉक में आपको बाइंग करनी चाहिए, क्या शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करनी चाहिए ताकि आप इससे मुनाफा उठा सकें, या इस स्टॉक को जो कि इंटरनेशनल शिप ऑपरेटर ऑफ मॉडर्न ड्राई बल्क वेसल्स है, अपनी पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक के तहत रखना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि भाई ये जो स्टॉक है शिपिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड स्टॉक है, आने वाले समय में भी इसकी बिजनेस वैल्यू रहने वाली है, आने वाले समय में भी सेल्स वगैरह रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सी कोस्ट शिपिंग कॉरपोरेशन सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जो कि स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे 92 रुपये के आसपास, 19 रुपये से ऑलरेडी 5 गुना ऑलरेडी रिटर्न्स दे चुका है 2020 में। तो मल्टीफोल्ड मल्टीबैगर स्टॉक हो चुका है 2020 का। इस स्टॉक के बारे में पूरी फंडामेंटल डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या इस स्टॉक में जो कि 1:2 का बोनस शेयर इशू कर रही है, इसमें हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं कि भाई स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। तो फंडामेंटल्स देखने के बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा कि क्या इस स्टॉक को हम अपनी पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म स्टॉक की तरह रख सकते हैं या नहीं। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 207 करोड़ का है, यहाँ पे करंटली 90 रुपये के आसपास ये मिल रहा है, 18 की बुक वैल्यू है यहाँ पे। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए बहुत ही कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे है 0.88%, 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है 0.66%। ठीक है, ये बहुत ही कम है। हालांकि अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखिए तो 23 रुपये का जबरदस्त अर्निंग पर शेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत ही कम है यहाँ पे। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो देखिए डिविडेंड यील्ड इसका 0 है, डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है फिलहाल के लिए, हालांकि प्रॉफिटेबल कंपनी है, 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है इनका। ठीक है, पेत्रोस की स्कोर देखिए 7 का है, लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठती है पेत्रोस की स्कोर के हिसाब से। ग्राहम नंबर यहाँ पे देखिए 96 रुपये का ग्राहम नंबर, करंटली 92 रुपये के आसपास यहाँ पे ये स्टॉक मिल रहा है। वहीं पे पी रेशियो इसका देखिए तो ओवर वैल्यूड है क्लियरली करंट प्राइस पे। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखिए 74% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, और इसका ओवरऑल डेप्ट अगर देखिए तो 0 डेप्ट कंपनी है, 0 डेप्ट है, 0 डेप्ट टू इक्विटी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या इसके फंडामेंटल के बेसिस पे हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि भाई करेंटली जो इसके फंडामेंटल्स हैं लॉन्ग टर्म की तरफ इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही कम है। तो इस कंपनी में कॉशियस रहना है, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके अगले 5 से 10 सालों के लिए भूल जाना है तभी आपको इसमें बाइंग करनी है, और बाइंग इस प्राइस पे बिल्कुल नहीं करनी है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाय करना है तो यहाँ पे एटलीस्ट इसको 25 से 30-40% कम पे मिले तभी बाई करिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोनस इशू होने के बाद ऑब्वियसली ये भाई 45-50 रुपये के आसपास मिलेगा, उस प्राइस पे ना होके उससे 30% के आसपास कम प्राइस पे ही इसको बाई करना चाहिए हमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गई फंडामेंटल्स की बात, अब समझ लेते हैं कि बोनस के डेट्स क्या हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड डेट यहाँ पे 4 नवंबर 2020 का है, यानी कि 4 नवंबर 2020 के पहले पहले आपके पास ये शेयर रहना चाहिए, आपकी डीपी में रहना चाहिए। यहाँ पे एक्स डेट जो है वो 3 नवंबर 2020 को, यानी कि 3 नवंबर 2020 को जब ये शेयर ट्रेड करेगा तो उस दिन बोनस इशू के बाद का जो शेयर प्राइस रहेगा उस पे ट्रेड करेगा। यहाँ पे रेशियो देखिए 1:2 का है, यानी कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग 100 शेयर्स हैं तो आपको 50 शेयर्स और बोनस के तौर पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझ लेते हैं। इसका ऑल टाइम चार्ट हमने यहाँ पे लगाया 13 अप्रैल के आसपास, देखिए 19 रुपये का ये स्टॉक था, ऑलरेडी ये पहुँच चुका है 92 रुपये के आसपास। तो आप समझ सकते हैं क्लियरली ओवर वैल्यूड है करंट प्राइस पर, करंट लेवल्स पर, और हमने फंडामेंटल्स में भी ये देखा। आप यहाँ पे इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो अवॉइड करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमें बाइंग करना है 4-5-6-7% अगर इसमें प्रॉफिट मिलता है एक्स डेट के पहले पहले तो हमें इसमें प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाना चाहिए। यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए क्लियरली ये स्टॉक लग रहा है अपने करंट लेवल्स से। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जो प्राइस है इसका 92 रुपये के आसपास, उस पर वॉल्यूम केवल 2400 के आसपास है, तो कम वॉल्यूम है, लिक्विडिटी कम है, यानी कि आप अगर इसको बाई करते हैं बाद में आपको सेल करना होगा तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपका जो ऑर्डर है वो
एग्जीक्यूट ना हो। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्टर भी हमें देखना होता है जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि हम इतने बड़े निवेशक नहीं है कि हम हज़ारों या लाखों की क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, हम इवन अगर 50-100 शेयर्स में भी करते हैं तो ये फैक्टर हमें पॉइंट में रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है इस स्टॉक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न फॉर सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड 74% के आसपास प्रमोटर के पास है, केवल 26% के आसपास यहाँ पे पब्लिक के पास है, कोई भी स्टॉक म्यूचुअल फंड के पास नहीं है, कोई भी स्टॉक यहाँ पे FIIs के पास नहीं है, कोई भी स्टॉक यहाँ पे DIIs के पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी प्रमोटर शेयर होल्डिंग है उसमें प्लेजिंग नहीं देखने को मिल रही है, तो ये एक पॉजिटिव बात हो सकती है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये फिलहाल इसको लॉन्ग टर्म के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए, इसको बाई तभी करना चाहिए, उसी केस में करना चाहिए जबकि हम इसको एक कोने में जैसे पड़ा हुआ स्टॉक होता है उस स्टॉक की तरह का अगर ट्रीट करते हैं तभी हमें इसमें बाइंग करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई भी स्टॉक अगर स्टॉक किसी भी स्टॉक में अगर बोनस शेयर्स इशू हो रहे हैं तो हम उसे बाई कर लें। हालांकि जैसा कि हमने देखा शिपिंग सर्विसेज जो है शिपिंग आने वाले समय में भी रहेगी, बट एकदम से ऐसा नहीं है कि बिजनेस टू कस्टमर टाइप की बिजनेस है जिसमें कि आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिल सकते हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए आई थिंक आप डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉक में क्या करना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।